अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है मेरे इस चैनल पे। मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि बेबी के फर्स्ट एड बॉक्स में कौन सी मेडिसिन रखना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और जो कि हम अपने बेबी के फर्स्ट एड बॉक्स में हमेशा रखते हैं। यू ऑल्सो कीप दिस मेडिसिन इन योर फर्स्ट एड बॉक्स। आप भी अपने मेडिसिन बॉक्स में ये मेडिसिन हमेशा 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 रखिए, ये मस्ट है। तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ सबसे पहले तो नेजोमिस्ट ड्रॉप से। ओके, ये जो नेजोमिस्ट नोज ड्रॉप है ये बहुत 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 ज़्यादा एसेंशियल है बेबीज़ के लिए। मतलब बेबीज़ का एक प्रॉब्लम हमेशा मोस्टली बेबीज़ का होता है कि बेबीज़ में नोज़ ब्लॉक होने का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से बेबी सो नहीं पाते हैं, मतलब मिल्क सक नहीं कर पाते हैं, फीडिंग नहीं कर पाते हैं, सो नहीं पाते हैं, सुकून नहीं आता है, उन्हें सांस रुकती है बच्चों की। तो ये हमेशा आप अपने पास रखिए सलाइन नेजल स्प्रे नेजोमिस्ट ड्रॉप जो है तो। और ये बिल्कुल भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके, ये जो है तो एकदम नेचुरल है और एनेसलाइन वाटर रहता है इसमें, कुछ भी नहीं होता है, नमक का पानी जिसे कहते हैं। तो ये बच्चों में कोई इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, यहाँ तक कि इसकी अगर पिचकारी भी आपने अपने बच्चों की नाक में डाल दिया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। डॉक्टर खुद सजेस्ट करते हैं कि इसकी पिचकारी नोज में डालिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि 1 to 2 ड्रॉप्स बेबी के एक एक नोस्ट्रल्स में, ये फीडिंग से पहले या फिर सोने से पहले अगर आपने ये एक एक ड्रॉप डाल दिया, और या फिर बेबी जब क्रैंकी हो गए, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं नींद में आँखें बंद करके, तो उस टाइम भी अगर आपने ये डाल दिया तो बेबी को 15 से 20 मिनट के अंदर अच्छे से नींद आ जाएगी। ओके, अब हम सेकेंड मस्ट हैव मेडिसिन पे बात करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है इसका नाम है कोलिकेट ड्रॉप्स, जो कि बेबीज़ के लिए बहुत 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 ज़्यादा एसेंशियल है। मोस्टली बेबीज़ को स्टमक प्रॉब्लम होता है क्योंकि बच्चे एक जगह रहते हैं, कहीं मूव नहीं कर पाते हैं, और डाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत बहुत कॉमन होता है बेबीज़ में। कभी बेबीज़ के स्टमक में गैस हो जाती है, तो इसके लिए हमेशा कोलिकेट ड्रॉप रखिए। आप जब भी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाए, एकदम पैर ऊपर उठा के रोने लगे, या फिर गैसेस प्रॉब्लम लगे, या फिर कुछ भी इनडाइजेशन का मसला हो, तो आप कोलिकेट ड्रॉप बच्चों को दे सकते हैं। ये हमेशा रखना ही चाहिए और ऑलवेज देना ही चाहिए, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हम स्विच करेंगे एट्रैक्स ड्रॉप पे। डॉक्टर रेडिस का एट्रैक्स ड्रॉप है ये, और ये हमको ऐसी कंडीशन में देना है जब बच्चे किसी तरीके से मान ही नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गए हैं, बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत रो रहे हैं, सो नहीं रहे, नींद नहीं आ रही, या फिर कुछ दुखने की वजह से या फिर तकलीफ़ की वजह से बच्चों में नींद नहीं आ रही है, तो उस टाइम पे आप बच्चों को एट्रैक्स ड्रॉप दे सकते हैं। और ये इसने हमारे बेबी के लिए बहुत वर्क किया है एट्रैक्स ड्रॉप ने। जब भी हमारा विल्डान बहुत ज़्यादा क्रैंकी होता था तो हम उसे ये एट्रैक्स ड्रॉप दे देते थे। डेली बेसिस पे नहीं देना है, बट जब भी आपको ऐसा लगे कि बेबी बहुत क्रैंकी हो रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, तो मतलब इससे मतलब विदिन हाफ एन आवर मतलब बच्चे को ना सुकून मिल जाता है बहुत ज़्यादा, और बच्चा सो जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ड्रॉप की तरफ हम स्विच ऑन करते हैं, ये है पैरासीटामोल ड्रॉप कैलपॉल के। ये तो फीवर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एसेंशियल, और हमने हमेशा से कैलपॉल यूज़ किया विल्डान के लिए फीवर में। और किसी भी टाइप का फीवर हो, एलर्जिक हो, या फिर वायरल हो, या फिर कोई किसी भी टाइप का फीवर हो, अगर आपको ऐसा लगे कि बच्चे को फीवर है, हमेशा आप एक थर्मोमीटर हमेशा अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखिए, और थर्मोमीटर से पहले तो मेजर कीजिए। अगर 98 के अबव फीवर है तभी आप पैरासीटामोल ड्रॉप्स बच्चों को दीजिए, और यह आपको देना है अकॉर्डिंग टू योर बेबीज एज और हाई वेट के हिसाब से आपको ये देना है। आपके डॉक्टर ने जितना प्रिस्क्राइब किया है उतना पैरासीटामोल ड्रॉप आपको बेबी को देना है। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन की तरफ हम आते हैं, ये है आयबुजेसिक प्लस। ये हर मम्मीज एंड डैडीज़ ने और जितने भी बच्चों के घर है उसमें आयबुजेसिक प्लस, मैं समझती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर टाइप के पेन पे इफ़ेक्टिव है, जो कि हमें नहीं पता है। कभी बच्चों का सर दुखता है, कभी हाथ दुखता है, कभी पैर दुखता है, और व्हाटएवर द कंडीशन, मतलब ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इससे बच्चों को बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है और हर टाइप के पेन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके लिए आप एबुजेसिक प्लस हर बच्चों के घर में, मैं तो बोलती हूँ, होना चाहिए।
नेक्स्ट स्विच करते हैं म्यूकोलाइट ड्रॉप्स की तरफ। म्यूकोलाइट ड्रॉप्स जो है तो एक कफ ड्रॉप है बच्चों के लिए, खांसी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। विल्डान को ज़्यादा खांसी नहीं होती थी इसलिए मेरा ड्रॉप रखा हुआ है, मतलब जब से हुआ है तब से रखा ही है, थोड़ा बहुत कभी यूज़ हुआ होगा, बट म्यूकोलाइट ड्रॉप जो है तो एक कफ ड्रॉप है और ये भी डॉक्टर रेडीज़ का है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है बेबी के कफ में। तो आप जो बच्चों को खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा कॉफिंग का प्रॉब्लम है, तो ये म्यूकोलाइट ड्रॉप हमेशा अपने पास रखिए और इसे 6 to 7 ड्रॉप बेबी को 3 times दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाएगा। ओके, और अब हम नेक्स्ट स्विच करते हैं बोरोलिन पे। तो हर घर में होता है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ट्रस्ट मी। पहले मैं भी ऐसे ही समझती थी कि क्या मम्मी पापा बोरोलिन लगा के रखते हैं, बट ये हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत फास्ट ये मदद करता है और नेचुरल है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, किसी टाइप का स्टेरॉयड नहीं है, किसी टाइप का कोई इसमें मतलब ऐसी केमिकल्स नहीं है जिससे बच्चों को नुकसान हो या फिर किसी भी बड़ों को भी नुकसान हो। तो ठीक है, ये बोरोलिन जो है तो वो किसी भी टाइप के कट्स में, बर्न्स में, एलर्जिक रैशेस में, वट एवर द कंडीशन, इन्फ्लामेशन है, कुछ भी बच्चों को दाने निकल आए हैं, तो आप ये बोरोलिन हमेशा अपने पास रखिए। बच्चों को कुछ मतलब कट हो गया है, चोट लग गई है, तो आप हमेशा बोरोलिन अपने पास रखिए और मतलब बच्चे का हर प्रॉब्लम बोरोलिन से सॉल्व हो जाएगा। और नेक्स्ट स्विच करते हैं हम कैंडिड ऑइंटमेंट की तरफ। ये क्लोट्रिमेजोल क्रीम है, ये जो है तो एक एंटी फंगल क्रीम है और जब बच्चों को बहुत ज़्यादा टेरिबल डायपर रैशेज हो जाए जो कि डायपर क्रीम से अच्छे ना हो, डायपर क्रीम जो है तो वो थोड़ा माइल्ड होता है बट बहुत ज़्यादा हॉरिबल जब बच्चों को मतलब क्या बोलते हैं डायपर रैशेज हो जाते हैं एकदम, मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, सीवियर हो जाते हैं, रेड टेरी एकदम हॉरिबल दिखते हैं और बच्चा एकदम डायपर भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है उस टाइम पे या फिर किसी टाइप का टच बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो आप थोड़ी देर के लिए बच्चों को क्लोट्रिमेजोल क्रीम लगा के रखिए। ट्रस्ट मी, रात भर के अंदर में ये क्रीम से बिल्कुल 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 मतलब ऐसे हो जाएंगे कि कभी रैशेज हुए नहीं थे बेबी। नेक्स्ट हम स्विच करते हैं बर्न हील क्रीम की तरफ। अगर बच्चों में इनकेस कभी बर्न हो जाए, किसी टाइप का चटका लग जाए या फिर कहीं कुछ गर्म चीज़ को पकड़ लिया बेबी ने, तो उसके लिए बर्न हील बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप जब भी ऐसा कुछ हो तो ये सिल्वर नाइट्रेट का बर्न हील क्रीम हमेशा अपने पास रखिए, बहुत इफेक्टिव है बेबीज़ में। फिर नेक्स्ट स्विच करती हूँ मैं बेबी रब की तरफ। बेबी रब मेरा फेवरेट है और हमेशा बेबी को रात को सोने से पहले बेबी रब लगा के सुलाइए, बहुत पीसफुल स्लीप आएगी। सर पे लगाइए, छाते पे लगाइए, उसके बाद में बेबीज़ के पैर के तलवों पे लगाइए या फिर बेबी में जब बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है तब आप पेट पे भी इसको रब कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत 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 अच्छा इफेक्ट करती है बॉडी पे, जैसे कि रोजमेरी ऑयल है, स्मेल है, विंटर ऑयल है, एलोवेरा है, जो कि सब स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और पीसफुल स्लीप के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो कोकोनट ऑयल है तो बेबी की स्किन भी बहुत अच्छी होती है इससे, तो ये हमेशा आप अपने पास रखिए। जिनके भी बेबीज हैं, छोटे बेबीज हैं, वो अपने पर्स में, अपने पाउच में हमेशा बेबी रब को रखिए। ये जो है तो कोई छोटे पैक में भी आता है, बड़े पैक में भी आता है, तो वट एवर द कंडीशन आप ये बेबी रब लीजिए और हमेशा अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखिए। नेक्स्ट हम स्विच करते हैं डेटॉल सैनिटाइजर की तरफ। ये अगर वाटर अवेलेबल नहीं है तो अपने हैंड को इससे सैनिटाइज करके बेबी को कैरी कर सकते हो या फिर बेबी के भी हाथ इससे आप सैनिटाइज कर सकते हो कभी भी, तो मस्ट हैव दिस प्रोडक्ट इन योर फर्स्ट एड बॉक्स। अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन की तरफ आएंगे, होम्योपैथिक की 5 balls। ये आपके बच्चों को आप हमेशा देते रहिए। मैं 2 टैबलेट करके मॉर्निंग और इवनिंग में विल्डान को देती हूँ। ये बहुत ही इफेक्टिव है पेट के हर प्रॉब्लम के लिए, एनी टाइप ऑफ वीकनेस, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस इसमें सारे पाए जाते हैं और बेबीज़ के डेंटिशन में सबसे ज़्यादा वर्क करती है ये। मतलब बच्चों को जब दांत निकलते हैं तो उनमें बहुत सारी कमजोरी आ जाती है, कैल्शियम की कमी, उसके बाद में फॉस्फोरस की कमी, ये
सारे 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 गुण जो है तो ये मेडिसिन में पाए जाते हैं। तो आप हमेशा ही होम्योपैथी की 5 कॉस्ट मेडिसिन हमेशा अपने पास रखिए और बेबीज उसको बहुत शौक से इंजॉय करते हैं, खाते हैं, और बल्कि बच्चे याद दिलाते हैं कि ये फिनलैंड की तो फेवरेट मेडिसिन है, वो तो याद दिलाता है मुझे कि मम्मा मुझे ये मेडिसिन चाहिए। तो ये 2 टैबलेट मैं सुबह में देती हूँ इसके और 2 टैबलेट रात में देती हूँ ये च्यू करने के लिए। और ये बहुत, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, ये फीकी फीकी मेडिसिन होती है और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो यू ऑल्सो हैव दिस मेडिसिन, ये मेडिसिन हमेशा अपने किट में रखिए। मेडिसिन पे जो क्या है, लिवोसेट्जिन इफेक्टिव है इन एनी काइंड ऑफ एलर्जीज, मतलब एलर्जीज में ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। बच्चे को किसी भी तरह का रैश हो, एलर्जी हो, दाने निकल आए हो अचानक से, कोई मेडिसिन का इफेक्ट हो गया हो, किसी भी टाइप का कोई भी उसको बच्चे को एलर्जिक रिएक्शन हो, या फिर सर्दी हो गई हो, या फिर नोज ब्लॉक हो, तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं लिवोसेट्जिन सिरप। ओके, तो मैं ये भी रखती हूँ। सो आई होप कि आप लोगों के लिए ये ब्लॉग जो है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और ये मेडिसिंस ने हमेशा मेरे बेबी के लिए वंडर वर्क किया है, तो मैंने आपके लिए अपना बेस्ट 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 डाला है कि जो आपके मेरे बच्चों के लिए बेस्ट है, बेस्ट मेडिसिंस है, सारी ब्रांडेड मेडिसिन और जो हमेशा वर्क करती है बेबीज़ में और बहुत अच्छे से वर्क करती है। सो प्लीज़ आप को अगर मेरा ये ब्लॉग सच में हेल्पफुल साबित हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को बहुत सारा शेयर कीजिए। और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे व्लॉग्स इसी तरीके से देखते रहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।